সঙ্গে আছে ভোলেনাথ, আমরা যাচ্ছি অমরনাথ। সঙ্গে আছে ভোলেনাথ, আমরা যাচ্ছি অমরনাথ। এবার আমার স্যার জি নিয়ে চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব কিয়া একবার। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। ওম নমঃ শিবায়, হরে মহাদেব। জয় বলে স্যার জি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। गाइज फाइनली बाबा को दर्शन करने के लिए जर्नी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर चेकिंग करना पड़ेगा। तो निरंजना, ओ हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, ओम भोले, ओम भोले। चलो गाइज, आप जर्नी करता हो चेकिंग करके। रोड तो यहाँ से जो मैंने पूछा, इन लोगों को बोला कि 3 किलोमीटर चौड़ाई होगा संगम तक, उसके बाद तो अच्छा है रोड, सीधा है, चौड़ाई नहीं है। देखते हैं, चलो आगे चलते। यहाँ से केप डिस्टेंस 6 किलोमीटर। वीडियो कंटिन्यू करते रहो। जिन लोग मेरे चैनल पर नए हो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और गाइज, जो लोग मेरा पिछले वाला ब्लॉग नहीं देखा है, ये सीरीज फास्ट से कंटिन्यू करो, तो तुम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। और कहाँ कहाँ तुम रुकोगे, क्या प्राइस तुमको मिलेगा, सब तुम जान पाओगे। लोग ऊपर चढ़ रहे संगम, तो अब यहाँ से बोट पर देखा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर। चलो आगे चलते। ये रोड है और साइड से रिवर जा रहा है। बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत ही नज़र, बहुत ही ऐसे नज़ारा देख लो, बहुत ही बढ़िया है। आज मैं भी भोलेनाथ हमारे साथ है और वेदर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहता है तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि गाइज, हम लोगों को आज बालताल की तरफ से नीचे उतरना है। चलो उधर सब दास जा रहा है, देखो আছে ভোলেনাথ। আমরা যাচ্ছি অমরনাথ, অমরনাথ, বোম বোম ভোলে, বোম বোম ভোলে, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, জয় ভোলে, জয় ভোলে। ওরা ওরা কোশি তারা কথা পিছনে, আমি যাচ্ছি না ভোলে, তোমাদের দেখাবো আমি। সবাই মিলে হর হর মহাদেব, জোরসে বলো হর হর মহাদেব, একসাথ হর হর মহাদেব। সঙ্গে আছে ভোলেনাথ, আমরা যাব অমরনাথ। तो दोस्तों देखो, महादेव का नाम लेके तो यात्रा ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तुम लोग देख सकते हो, हम सब बाबा का भक्त है, हम सब बाबा का चेला है, इसलिए सब लोग जा रहा है। कुछ लोग घोड़े से जा रहा है, कुछ लोग पैदल जा रहा है, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से जा रहा है, लेकिन हर एक बंदा, हर एक पुण्यार्थी सिर्फ यही चाहता है कि बाबा का दर्शन करेंगे। इसलिए हम सब एक साथ जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ये जो नजारा है, आइस देखो साइड में जमा हुआ है, ये गाइस बहुत पहले का आइस है। कल बारिश भी यहाँ पर हुआ था, इसलिए रास्ते में कई जगह पे हम लोगों को कीचड़ मिल रहा है। अगर मैं महादेव को थैंक करता हूँ कि आज बारिश नहीं होगा। अगर आज भी बारिश होता तो हम लोगों को यहाँ पर पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर होता और रास्ते रिक्सी हो जाता, शायद बंद भी हो जाता। क्योंकि ये रोड देखकर तुमको पता चल रहा है यहाँ पर अगर बारिश होता है तो क्या होगा। चौड़ाई बहुत ज्यादा है, कैमरा में कितना आ रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बस चौड़ाई बहुत ही ज्यादा है। और साइड में खाई देखो, बहुत ये जो खाई का गहरा बहुत ही ज्यादा है, अगर यहाँ से गिर जाता है सीधा तुम नीचे चले जाओगे। इसलिए गाइस मैं रिकमेंड करूंगा, तुम लोग जब ट्रेकिंग करोगे तो जिजर पहाड़ है उधर से ट्रेकिंग करना, जिजर खाई है उधर से ट्रेक मत करना। क्योंकि अगर तुम ट्रेक करते करते तो ऊपर चढ़ रहे हो, तुम्हारा शरीर का जो स्ट्रेंथ है वो लो हो जाएगा, इसलिए तुम कई बार टायर्ड हो जाओगे। अगर टायर्ड हो जाता हो तो पैर इधर उधर हो जाता है तो नीचे भी गिर सकते हो। इसलिए हमेशा जिजर पहाड़ है उधर से चेक करना। ये रोड भी तुम देख रहे हो बहुत ही नैरो रोड है, बहुत ही इसी रोड से घोड़ा भी आ रहा है, आगे सामने देखते हो घोड़ा भी आ रहा है, मानुष भी है, हम सब भी पैदल जा रहा है। इसलिए रोड बहुत ही शॉर्ट है, नैरो है, इसलिए ध्यान से ट्रेकिंग करना। और तुम लोगों को मैं पहले भी बोल चुका हूँ, गणेश टॉप तक बहुत ज्यादा चढ़ाई है, चढ़ाई उतराई करते करते हम लोग आज पहुंच जाइए। और आज का हमारा जो एनर्जी है, खास करके मेरा बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, क्यों पता नहीं है, कल तो तबीयत खराब हो गया था, तुम लोगों को पहले वीडियो में मैंने बोला है। और जिन लोग पिछले वाला ब्लॉग नहीं देखा है गाइस, शेषनाग पंचतरणी का ब्लॉग जरूर जाकर देख लो, बहुत ही बढ़िया जगह है, हम लोग बहुत एंजॉय किया वहां पर, पूरा का पूरा एंजॉयमेंट तुम्हारे साथ में शेयर किया हूँ, फुल इंफॉर्मेशन दिया हूँ। अगर तुम अमरनाथ यात्रा करोगे आगे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। इसलिए गाइज ये सीरीज
पूरी फास्ट से कंटिन्यू करना, इसलिए अगर फास्ट से कंटिन्यू करते हो तो तुम लोग वो सही से कनेक्ट कर पाओगे इस सीरीज में। और आज का एनर्जी हम फूल है, हम लोग जा रहे हैं सीधा बाबा को, बाबा का दर्शन करने के लिए। आगे तुम व्यू देख सकते हो, और वहां से जो डिस्टेंस पहले बोला है 6 किलोमीटर ओनली, और ये बढ़िया सा नजारा देखते देखते हम लोग पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पर कल बारिश हुआ था इसलिए कीचड़ है थोड़ा सा, थैंक गॉड आज नहीं हुआ। अगर आज होता है तो पूरा का पूरा रास्ता ऐसे कीचड़ में भर जाता, अगर वहां भी अगर जाता तो और भी दिक्कत होता हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग लाकी है। और देखो हम लोग उधर आ गया है, ये संगम है गाइस, यहाँ का व्यू देखो बहुत ही नजारा, बहुत ही उधर जो पहाड़ है उधर तो धूप आ गया और इधर अभी तक धूप नहीं है, इसलिए हम लोगों को अभी गर्मी लग रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं लग रहा है। अगर धूप और भी इधर भी आ जाता है तो गर्मी लगेगा, जब हम लोगों को जैकेट उतरना पड़ेगा। और ये देखो ये संगम का व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। उधर ही रोड है, शायद वो बालताल का रोड होगा, अभी मालूम नहीं है मुझे। चलो आगे चलते है, हम लोग गुफा के नजदीक पहुंच गए संगम के, और शायद यहाँ से और 1.5-2 किलोमीटर होगा शायद संगम से। और तो सीआरपीएफ वालों पे वालों ने तो हर तरह की सिक्योरिटी हम लोगों को दे रहा है, कुछ भी सिक्योरिटी का कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तुम लोग हर जगह पर सीआरपीएफ वाले मौजूद है, पोस्टिंग है यहाँ पर बहुत सारे जगह पे। देखो सुन तुम देखो सब लोग जा रहे हैं, हम लोग गुफा के पास पहुंच गए हो, ये साइड में आइस देखो, बर्फ देखो, ग्लेशियर। तो मेरे बाएं तरफ उस पहाड़ का जो रोड है वो बालताल की तरफ रोड है, और इधर हम सीधा जो जा रहा है ये अमरनाथ केव, यहाँ से और 1.5-2 किलोमीटर हम लोगों को ट्रेकिंग करना पड़ेगा, तब केव हमारे सामने होगा, बाबा जी का दर्शन करेंगे तो हम लोगों को फिर से एनर्जी मिल जाएगा और हम लोग बालताल की तरफ से नीचे उतर जाएंगे। तो बाबा महादेव को मेरा यही गुजारिश है, जय बाबा भोले बाबा, तबीयत सही रखना और ये वेदर बहुत ही बढ़िया है, ऐसे ही रखना। तो चलो हर हर महादेव, जय भोले, ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये ग्लेशियर देखो 10-12 फुट का होगा, देख रहे हो ना, पूरा का पूरा बर्फ एकदम जम चुका है यहाँ का जो बर्फ पूरा का पूरा एरिया। और ऐसे महादेव का गाना सुनते सुनते हम लोग ट्रेकिंग कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, ओई देखा जा अमरनाथ गुहा, ओई देखा जा अमरनाथ गुहा, जाती कोता अमरनाथ गुहा, আমরা কারা বাবার চেলা, আমরা কারা বাবার চেলা, আমরা যাচ্ছি অমরনাথ, আমরা যাচ্ছি অমরনাথ, সঙ্গে আছে ভোলেনাথ, আমরা যাচ্ছি অমরনাথ, সঙ্গে আছে ভোলেনাথ, আমরা যাচ্ছি অমরনাথ, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, বম বম ভোলে, বম বম ভোলে, বম বম ভোলে, বম বম ভোলে। तो दोस्तों ऐसे स्लोगन देते देते हम लोग ट्रेक कर रहे हैं, अगर ऐसे तुम स्लोगन देते हो तो एनर्जी तुम्हारा फुल रहेगा, तुम लोग अच्छे से ट्रेक कर पाओगे, ऐसे देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ट्रेकिंग है अमरनाथ, इसलिए ऐसे स्लोगन देखे देखे तुम अगर ट्रेक करोगे तुम्हारा एनर्जी फुल रहेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा और तुम गुफा के पास पहुंच जाओगे। वो देखो गाइस उधर ऊपर अमरनाथ की गुफा ऊपर, चलो हम लोग नजदीक पहुंच गए। देखो गाइस हम लोग गुफा के पास आ गए हैं, उधर दूर में गुफा देख सकते हो और इधर का व्यू देखो। इधर तो पहले यहाँ पर टेंट पे लोग को रहने देते थे लेकिन जब एक बाण आया था जो तुषार झड़ आया था उसके बाद यहाँ पर रुकने नहीं देता है आर्मी वालों ने। गाइस देखो हम लोग अमरनाथ केव पहुंच गए, यहाँ पर देख सकते हो चारी तरफ और कुछ ही दूर है, हम लोग दर्शन करेंगे। जय सर जी, जय भोले। तो चलो अब दर्शन करते हैं, फास्ट यहाँ पर
हमारे चैनल जी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, एक बार जय हिंद, भारत माता की जय, ओम नमो शिवाय, प्रणाम महोदय, जय गुरु चैनल जी। वहाँ पर हम लोग को सामान वगैरह रखना पड़ेगा, कैमरा, अगर चांदी का कुछ होता है, मनी बैग, बेल्ट वगैरह, सब कुछ, बैग, मोबाइल फोन, कैमरा, सब कुछ रख के वहाँ पर चेकिंग होगा। आगे आप सबको प्रसाद लेके उधर पूजा करने के लिए उधर। ये गाइस एकदम ऊपर से आ रहा है ये पानी, एकदम क्रिस्टल क्लियर रिवर है, यहाँ पर तुम लोग स्नान भी कर सकते हो। लेकिन गाइस ये मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ पर ये पानी का गंदे मत करना, साबुन से मत नहाना। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तुम नहा भी सकते हो, हम लोग यहाँ पर मुंह हाथ धो रहा हो, तुम लोग देख सकते हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तुम लोग देख सकते हो, और बहुत ही ठंडा है। लेकिन तुम अगर यहाँ पर नहाते हो तो तुम लोग को एकदम भी ठंड है, ठंड नहीं लगेगा, ठंड है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है, ठंड है और पानी। लेकिन गाइस यहाँ पर ठंड नहीं है क्यों पता नहीं है, शायद बाबा का आशीर्वाद है इसलिए। चलो ये चलते है आगे। के बाहर हम लोग पहुँच गए, यहाँ पर जो पानी तुम लोग देखते हो नीचे, वहाँ से हम लोग थोड़ा सा माथा में पानी फेंक कर मुँह हाथ धो लिया। अभी हम सामान वगैरह रख के अंदर जाएंगे, तो चलो अंदर। यहाँ से मोबाइल अलाउड नहीं है, यहाँ से मैं अभी यह कैमरा बंद कर रहा हूँ, तो दर्शन करके आप लोगों के साथ फिर मैं बात करूँगा कैसे लगा। तो चलो आप लोग वीडियो एंजॉय कर करो, जिन लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर देना, और गाइज प्लीज़ फास्ट, एक इंडियन आर्मी ने दो, सॉरी गाइस तीन इंडियन आर्मी, दो ने सब्सक्राइब किया, एक बोला बाद में कर देगा, दो इंडियन आर्मी ने सब्सक्राइब किया, उन्होंने ज्वाइन बोला, अगर ज्वाइन बोला वीडियो तुमने पहले देखा है। तो चलो अभी हम गुफा का बाहर का नज़ारा तुम सबके साथ मैं शेयर करो, बाहर का नज़ारा एक बार देख लो। तो गाइस चलो जस्ट एंजॉय किया बाहर का नज़ारा, बाबा यहीं पर है। तो फाइनली गाइस आई यासी भीट, बाबा मेरे साथ है, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। हरर मोहम्मद बम बोले, बम बम बोले, जय बोले। तो चलो अभी बाबा का दर्शन करता हूँ हरर मोहम्मद। फाइनली गाइस तुम लोग लाइफ में एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करना, मैं रिक्वेस्ट करूँ, मैं दोबारा यहाँ पर जरूर आऊँगा, लेकिन तब मैं हेलीकॉप्टर से आऊँगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर जाने भी करना है, हेलीकॉप्टर भी चढ़ना है, तब मैं हेलीकॉप्टर से आऊँगा। चलो प्लीज दर्शन करके, बाबा का दर्शन करके फिर तुम्हारे साथ बात करता हूँ। कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा शेयर कर दो। अगर तुम लोग 2024 में अमरनाथ यात्रा काटते हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सब रूम में तुमको गुफा पे अंदर जाने के लिए बैग, सामान वगैरह, मोबाइल, कैमरा वगैरह सब कुछ यहाँ पर जमा रखना पड़ेगा, और हम लोगों को उधर ऊपर जाना है, तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम रुद्राक्षी माला ले सकते हो, लेना चाहते हो तो यहाँ पर ले सकते हो, पार माला जो भैया बोले 150 रुपया, देख सकते हो मेरा मुझे मालूम नहीं कि ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट है, अगर तुम लोगों को मालूम है तो देख कर लेना। और भैया निरंजन का ले रहा है एक, चलो अभी हम लोगों को इधर कलक रूम में बैग सामान वगैरह रखना है, रख के दर्शन करना है, दर्शन करके आ गया। मैं तुम सबको बोलूंगा बाबा का दर्शन एक बार लाइफ में एक बार जरूर करना। तो चलो अभी हम बलदल की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है, तुम एक बार आकर बाबा का दर्शन, एक यहाँ पर आकर तुमको सुकून मिला। मैं मुंह में मेरा बयान करने की मेरे पास भाषा नहीं है, मैं मुंह में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास लफ्ज नहीं है, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर आकर तुमको फील करना पड़ेगा, तो आज लाइफ में एक बार अमरनाथ जरूर आना, ठीक है। तो चलो अभी बलदल की तरफ बढ़ रहा हूँ, चलो यहाँ से बैग ले रहा हूँ, सबका बैग यहाँ पर लेके तो हम लोग बालतल तरफ से नीचे जाएंगे, तो नीचे का ट्रेकिंग मैं स्टार्ट कर दूंगा। और हमारा दो लोग आगे निकल चुके हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सामने गए थे फोटो वोटो खींचने के लिए, यहाँ से मोबाइल लेकर गुफा के पास गए थे, बहुत ही बढ़िया व्यू दिखाने के लिए तुम लोगों को, और व्यू पहले मैं दिखाया, यहाँ से ज्यादा अच्छा व्यू नहीं आ रहा था इसलिए हम लोग यहाँ से मोबाइल लेकर सामने गए थे। और देखो हम लोग बलदल की तरफ जाता स्टार्ट कर दिया, हम लोग को ये रिवर देखो, ये नजारा देखो तुम, बहुत ही बड़ा है, बारिश का ग्लेशियर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा करके अभी भी आइस है यहाँ पर। ऊपर से बालचाल की तरफ घोड़ा कर रहा है, और भैया जी को हमको उधर ले जा रहा है। यहाँ पर तुमको बहुत सारे रेट बोलेंगे, ठीक है, तुमको बार्गेनिंग करके ठीक तरह से रेट करना है। भाई हमको चीप रेट में ले जा रहा है, पर पर पर्सन 800 रुपीज़ डायरेक्ट। भैया नाम बोलो आपका,
जुबैर अहमद आपका यूनुस। तो चलो बड़ा महादेव जाता स्टार्ट करते हैं बालकल की तरफ। केप से हम लोग घोड़ा कर बोले क्योंकि हम दोनों बंदों का एक में पैर में मोच आ गया और एक को चलने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हमको मजबूरी में घोड़ा करना पड़ा। हम लोग का पार हेड 800 रुपीज़ करके पड़ा। यहाँ पर बहुत रेट बोल रहा था, तुमको बार्गेनिंग करके रेट करवाना होगा। और गाइज हम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोग एक बार अमरनाथ यात्रा लाइव में जरूर करना, ठीक है? तो चलो अभी भी बाढ़ रहा हूँ। तो हमारा जो गाड़ी बुक है कश्मीर साइड सीन के लिए, वो बालतल में आ गया है। ड्राइवर साहब मुझे कॉल किया था, चलो उधर ही चलते हैं, वो बालतल में करें। और हमारा जो बंदे पहले चला गया पैदल, और मैं भी चल सकता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। देखो गाइस ये नजारा देखो, हम लोग घोड़ा से जा रहे हैं। पहले मैं बोल चुका हूँ कि क्यों जा रहा हूँ गाइस, तुम लोगों ने सुना। और ये नजारा देखो, ये बालतल की तरफ नजारा, सब लोग, ये जो लोग आ रहा है ये बालतल की तरफ से आ रहा है बाबा का दर्शन करने के लिए। और बालतल के जो डिस्टेंस है वहां से 16 किलोमीटर, बहुत ही कम डिस्टेंस है, क्योंकि गाइस बालतल की तरफ से वो चौड़ाई बहुत ज्यादा है और रोड रिक्सी है। अगर बारिश होता है तो बालतल का रोड बहुत, बारिश अगर होता है तो बालतल का रोड बंद कर देगा आर्मी वालों ने, क्योंकि वहां पर रिक्स ज्यादा है, किसी भी टाइम पे लैंडस्लाइड हो सकता है, इसलिए बालतल का रोड बहुत ही रिक्सी। अगर वेदर ऐसे ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तुम लोग सही से ट्रेकिंग कर पाओगे। ये देख सकते हो तुम व्यू मेरे लेफ्ट में, देखो खाई देखो, बहुत ही ज्यादा है। अगर तुम नीचे गिरते हो एकदम नीचे, और मेरा तो घोड़ा चल रहा है, देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा जब मैं नीचे उतर रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है। नीचे जब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सामने झुक के जा रहा हूँ। जब तुम घोड़ा में बैठोगे, जब तुम घोड़ा ऊपर चढ़ोगे तो छाम आगे तरफ झुक के रहना, अगर तुम घोड़ा नीचे उतर रहा है तो तुम पीछे तरफ पीछे हो जाना, नहीं तो घोड़ा पलटी खा जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। और मेरा घोड़ा चल रहा है, कभी कई कई बार तो मुझे डर भी लग रहा है। ये व्यू देखो, साइड में रिवर जा रहा है एकदम, ये नजारा देखो, कश्मीर का ये जो नजारा मुझे लग रहा है, मैं कश्मीर पहले घूम चुका हूँ, लेकिन ये नजारा कुछ अलग लग रहा है। क्या बताऊँ, कश्मीर हर टाइम पे एक ही जगह पे जब तुम आओगे ना बार बार, वो नजारा तुमको अलग लगेगा। तुमको ऐसा फील नहीं होगा कि तुम इस जगह पे दोबारा घूम चुके हो, इस बार क्यों आया, तुम्हारा मनी पैसा वेस्ट हो गया, ऐसा तुमको नहीं लगेगा। मुझे तो नहीं लग रहा है, तुम लोग व्यू देख सकते हो, क्या नजारा है यार। एक बार लाइक तो बनता है, तुम लोगों के लग रहा अच्छा लग रहा है। बालताल से हम लोग नीचे उतर रहे और मौसम चेंज हो रहा है, बारिश शायद नहीं होगा, और भी ज्यादा बादल अगर आ गया तो बारिश हो भी सकता है। यहाँ पर हम मैगी का ऑर्डर दिया हूँ, भूख लगी है, मैगी खाऊंगा उसके बाद फिर निकलूंगा। ये हमारा 4 हॉर्सेस। তো বর্ষদা কেমন লাগলো অমরনাথ? পবিত্র গুহায় গেলাম, দর্শন করলাম, ভালো লেগেছে। সবার মঙ্গলকাম কামনা করলাম। তো গাইজ আগার তুম একবার লাইভ মে অমরনাথ জরুর দর্শন করতে জানা। हमारा मैगी आ गया, पहाड़ी मैगी है, और हम लोगों को मैगी का पड़ा है पर प्लेट 60 रुपीज, ज्यादा है क्योंकि आज पहाड़ में हूँ इसलिए रेट तो ज्यादा ही होगा ना, ऊपर नीचे से लेकर आ रहा है ऊपर, इसलिए रेट तो ज्यादा ही होगा। और ये व्यू देखो, बालतल की तरफ भाई जो नजर है तुम देख रहे हो, ये बालतल की नजर है। और यहाँ पर आगे सामने देख सकते एक छोटा सा वाटरफॉल से क्रॉस करके हम लोग जाएंगे। देखो यार वाटरफॉल से पानी एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये बार बहुत ही टेस्ट है, पानी का जो टेस्ट है, मैंने जो अमरनाथ ट्रेकिंग कर रहा था उधर मैंने पिया था, टेस्ट एकदम बहुत ही बढ़िया है, तुम लोग पी सकते हो। ये जो पानी है एकदम तुम्हारा शरीर के लिए बहुत ही सही है। देखो यार यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, नजारा आगे सामने, हमारा तो गाड़ी आ गया। ड्राइवर हम लोग, मुझे 2 बार कॉल किया था, मैंने कॉल उठा नहीं पाया क्योंकि घोड़ा में हूँ और दिक्कत हो रहा है कभी कभी। और यहाँ का नजारा देख सकते हो, नीचे खाई है और नीचे जो घर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है वो देखो कितना नीचे है, तुम लोग देख सकते हो, नीचे से हम लोग आए है। देखो यार आगे बढ़ रहे है, सामने आगे पुनोदा जा रहा है, वो जो पीला कलर का बैग लेके सामने, तुम लोग देख सकते हो। और ये रोड, कल तो बारिश हुआ था और आज इसलिए धूल बहुत ज्यादा है, तो सूख गया और धूल बहुत ज्यादा है। सब उनके में मास्क हम लोगों ने पहन लिया कि बहुत ज्यादा धूल है बालतल का। घोड़ा लेकर जा रहा हूँ ना, और भी ज्यादा
धूल हम लोगों को पूरा का पूरा, मेरा जो देश पूरा का पूरा देश खराब हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि कब मैं सोनमर्ग या श्रीनगर जाऊंगा, कब वहां पर जाकर होटल में मैं नहाऊंगा, उसके बाद मैं फ्रेश हूंगा, तब मुझे अच्छा लगेगा। और ये देखो हम नीचे उतर रहे हैं, ऊपर का व्यू देखो बहुत ही बढ़िया है। इसे नजारा तुम देख रहे हो, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पहली बार कश्मीर का ऐसा नजारा मैं एंजॉय कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ में शेयर करो। प्लीज गाइस, अगर ये व्यू तुमको बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, मैंने अमन जाता कैसे एंजॉय कर, तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो मुझे वो जरूर कमेंट करके बोलना। अगर वीडियो में कुछ ऑनऑप्शन में मैंने बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो मुझे कमेंट करके बोलना, मैं ध्यान रखूंगा कि अगली बार ऐसे ना करने के लिए। और ये देखो यहाँ पर मेरा घोड़ा पानी पिएगा, क्योंकि हम लोगों को अगर प्यास लगता है तो इन लोगों को भी लगेगा ना। हम लोगों को लेकर आ रहा है नीचे। और ये देखो ये वाटरफॉल्स थोड़ा सा बड़ा वाटरफॉल्स है, और वाटरफॉल्स का साउंड भी मैंने ऑफ नहीं किया, तुम लोगों को मैंने दिखाया सुनाया, सॉरी गाइस सुनाया कि कैसे लगा वाटरफॉल का साउंड कैसे होता है। और ये व्यू देखो बालताल की तरफ से हम नीचे उतर रहे हैं। बहुत ये वीडियो में वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि पूरा का पूरा व्यू तुम्हारे साथ में शेयर कर दो, क्योंकि हर जगह का व्यू इतना सुंदर है। मैं वीडियो जब एडिट करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं क्या रखू क्या ना रखू। हर तरह का व्यू बहुत ही बढ़िया है, तुम लोग देख भी सकते हो। यहाँ पर देखो हम लोग नीचे आ गए हैं, बालताल का ये जो गेट है यहाँ पर हम लोग RFID कार्ड भाइयों को दे दिया, क्योंकि उन लोगों को सब लोग चेक करना पड़ेगा कितने लोग ऊपर चढ़े कितने लोग नीचे उतरा, कितना टोटल जाती इस साल दर्शन किया, इसलिए उन लोग कार्ड लेकर रहे। गाइस बालताल से नीचे उधर गया हूँ, तो हमारा जो कार्ड बुक है वो कश्मीर साइटसीइंग के लिए, तो कार गेट नंबर 2 पे है, तो हम लोग अभी भंडारा में कुछ खा लूंगा, उसके बाद गेट नंबर 2 की तरफ जाऊंगा। तो चलो उधर चलता हूँ, जाके देखता हूँ। और कश्मीर तो आज हम बालताल से सीधा श्रीनगर जाएंगे, तो सोनमार्ग होकर जाएंगे। सोनमार्ग का जो साइट सीन है सब, तो पिछले बार जब मैं कश्मीर आया था तो सब पूरा तुम्हारे साथ शेयर किया था, दिखाया था ना। अगर तुम देखा नहीं तो ऊपर लिंक आ रहा है, जाकर देख लो, आई बटन चेक कर लो। टाइम हुआ है 3:20, ऑलरेडी मौसम सही नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो गया, ऊपर आसमान में थोड़ा सा बादल है, तुम देख सकते हो। और सोनमार्ग शायद इस वीडियो में मैं पूरा दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि श्रीनगर में एंट्री बंद कर देगा, शायद आगे जाना पड़ेगा। तो चलो पहले बांदा में कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद गेट नंबर 2 पे भाई का तरफ मिलता हूँ कार में, उसके बाद बात करता हूँ। चलो यहाँ पर एक चेंज हो गया मेरा साथ, मैं बालताल में जा उतारा, बर्धमान का भाई के साथ मुलाकात हो गया, एक साथ कोलकाता में काम करता था बाकी का, एक साथ मुलाकात हो गया, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ। तो एक बार हाइकअप बड़ा खूब भारत लगे, एक संगे बहुत दिन पर देखा हलो। कार की तरफ बढ़ रहा हूँ, गेट नंबर 2 की तरफ, थोड़ा सा खा लिया राइस और सब्जी सोयाबीन का, तो खा लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। भाइयों के साथ एक साथ काम करता था, और देखे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ, और मुलाकात हुआ कहाँ पर, कश्मीर में। देखो गाइस ये बालताल का नजारा है, ये बालताल का व्यू आप मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूँ, बालताल का व्यू का पार्किंग एरिया देख सकते हो। हमारा ब्लॉगर आ रहा है, और ये जो व्यू तुम देख रहे हो ये बालताल की तरफ से सोनमार्ग का रोड भी हुए, हम लोग सोनमार्ग जा रहा है, श्रीनगर आज हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं बाद में तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा। सोनमार्ग पर खड़ा हूँ, हम वहाँ पर वहाँ से जब बालताल की तरफ से आ रहे थे, वहाँ से 3 निकलने का टाइम था, उसके बाद निकलने नहीं देगा तो हम लोग को नहीं दिया, इसलिए हम लोग श्रीनगर होटल कैंसिल करके सोनमार्ग पे होटल कर लिया। और सोनमार्ग का व्यू अभी का जो तो व्यू तुमको दिखाया, और जब 2023 का दिया था तो पूरी तरह से व्हाइट सा स्नो से भरा हुआ था, तो अभी व्यू पूरी तरह से चेंज है, ये भी बढ़िया व्यू है। तो गाइस जस्ट एंजॉय जस्ट व्यू, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे होटल। तो चलो चलते एक बार व्यू एंजॉय करके होटल चलते हैं। तो लास्ट देखो जिन लोगों ने मेरा 2023 का ब्लॉग देखा है उनको तो मालूम है कि सोनमार्ग का व्यू तब कैसा था, और आज का ये व्यू देखो। तुम लोगों को कौन सा व्यू बढ़िया लगा मुझे कमेंट करके जरूर बोलना।
अभी सोनमार्ग पे होटल पे हूँ तो अभी डिनर करके सो जाऊंगा क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है। आज हमारा ये रात का डिनर है चिकन बिरयानी। तुम लोग देख सकते हो हम लोगों को उधर कलकत्ता में तुम लोग बिरयानी खाए तब कैसा था, ये पहाड़ का बिरयानी है। इधर बिरयानी ट्राई करके जरूर देखना, उतना अच्छा नहीं है लेकिन बढ़िया लगेगा तुमको। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आज का जर्नी केप का जर्नी तुम लोगों को कैसा लगा मेरे मुझे कमेंट करके जरूर बोलना। तो चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय। तुम लोगों के साथ फिर मिलूंगा कल एक नया एडवेंचर।